Hi viewers, welcome to my channel JS Education. Education for all. Today our topic corporations. In this topic we learn what is corporations, importance of corporations, how corporation does work, types of corporations. First, what is corporation? A company often with a board of directors. It is chartered by the state. Its prayers, apart from its owners, many have subsidiaries. Many operate in serve different business. It is separate a legal entity from its owner. It can be mean a state-owned company. कॉर्पोरेशन का मतलब यह है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर कंपनी मुश्तमिल होती है जो चार्टर्ड होती है स्टेट के लिए, स्टेट से चार्टर्ड हो, ऑपरेट अपार्ट फ्रॉम ओनर्स, जिसको ओनर्स रन कर सके. इसके तहत बहुत से अदारे होते हैं और बहुत से बिजनेस इसके अंदर काम कर रहे होते हैं. इसे लीगली तौर पर इसका एक लीगली वजूद होता है, एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है फ्रॉम इट्स ओनर से. और ये स्टे ओन कंपनी होती है, यानी कि इसे रियासती कंपनी आप कह सकते हैं. डेफिनेशन क्या है कॉर्पोरेशन की? ए कॉर्पोरेशन इज़ अ लीगल एंटिटी क्रिएट बाय इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल क्रिएट करते हैं, स्टॉक होल्डर होते हैं और शेयर होल्डर होते हैं. बेसिक पर्पस इनका क्या है? ऑपरेटिंग फॉर अ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट को कमाना. कॉर्पोरेशन आर अलाउ करती है टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स. कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कॉर्पोरेशन शू एंड बी शू ऑन एसेट रीमिट फेडरल एंड स्टेट टैक्सेस एंड बोरो मनी फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. यानी कि आप मनी भी बोरो कर सकते हैं दूसरे बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कॉर्पोरेशन के लिए, कॉर्पोरेशन को ऑपरेट करने के लिए. क्रिएशन ऑफ कॉर्पोरेशन की कैसे होती है? द क्रिएशन ऑफ कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व ए लीगल प्रोसेस कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन. जो इसका प्रोसेस होता है उसको इनकॉर्पोरेशन कहते हैं. वेयर लीगल डॉक्यूमेंट कंटेन, इसके लिए जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है वो मुश्तमिल होता है द प्राइमरी पर्पस ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर बिजनेस का प्राइमरी पर्पस मेंशन होता है, नेम एंड लोकेशन मेंशन होती है, एंड द नंबर ऑफ शेयर्स एंड टाइप ऑफ स्टॉक इशू मेंशन होता है सारा. द प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेशन गिव द बिजनेस एंटिटी ए डिस्टिंक्ट फीचर, जो कि दैट प्रोटेक्ट्स ओनर, जो कि अपने ओनर्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बीइंग पर्सनली लायबल, जो कि लायबल होते हैं इन द इवेंट ऑफ आर लास्ट साइड आर लीगली क्लेम के लिए लायबल होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं ये प्रोसेस. ठीक है, उनके पास तमाम रिक्वायरमेंट और कंडीशंस लिखी होती हैं जिसके लिए वो लीगली भी क्लेम कर सकते हैं. हाउ डू कॉर्पोरेशन वर्क्स? कॉर्पोरेशंस का चार्ट क्या है और इसके कौन कौन से मेंबर होते हैं और किस तरह काम करते हैं? सबसे पहले कॉर्पोरेशन में शेयर होल्डर्स आ जाते हैं. शेयर होल्डर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चूज करते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि चेयरमैन भी कहा जा सकता है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने ऑफिसर चूज करते हैं, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है, CEO या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होते हैं और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं. ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट पर डिपेंड करते हैं कि कितने डिपार्टमेंट है, उस लिहाज से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने ऑफिसर चूज करते हैं. ठीक है, हाउ डू कॉर्पोरेशन वर्क्स? ए कॉर्पोरेशन इज रिक्वायर्ड टू नेम ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिफोर इट कैन कमेंस ऑपरेशंस, एंड देन मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर इलेक्ट बाय शेयर होल्डर. यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर अलेक्ट करते हैं ड्यूरिंग एनुअल जनरल मीटिंग के थ्रू सेलेक्ट होते हैं. ईच शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू वन वोट पर शेयर एंड दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन द डे टू डे रनिंग द कॉर्पोरेशन. हाउएवर,
शेयर होल्डर आर एलिजिबल टू बी इलेक्ट एज अ मेंबर, एलिजिबल होते हैं इलेक्ट करने के लिए मेंबर्स को या ऑफिसर को, आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, आर एग्जेक्टिव ऑफिसर को ऑफ द कॉरपोरेशन को। उन्हें कोई राइट्स नहीं होता कि वो अपने बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर या एग्जेक्टिव ऑफिसर को इलेक्ट करें। इसकी इंपॉर्टेंस और करेक्टिस क्या है? कैपिटल एक्विजिशन होती है, कैपिटल का असूल होता है, डिविडेंड और प्रॉफिट हासिल होता है, डबल टैक्स टैक्सेशन होती है, यानी कि एक तो कॉरपोरेशन को टैक्स पे करना पड़ता है, दूसरा उसके इंडिविजुअल या शेयर होल्डर्स को, ओनर्स को। लाइफ स्पेन यानी कि एक लाइफ टाइम होता है, इसकी टाइम पीरियड मुकर्रर होता है। लिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं, ओनरशिप्स होती है हार्ट ओनर्स के पास, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है कॉरपोरेशंस की, और सेपरेट लीगल एंटिटी हासिल है इसको कॉरपोरेशंस को। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं? फर्स्ट एडवांटेज कि मनी राइज होता है, कंटिन्यूस लाइफ होती है, इजी टू ट्रांसफ़र ओनरशिप्स, आप अपनी ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नो म्यूचुअल एजेंसी, कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं, महदूद जिम्मेदारियाँ होती हैं। डिसएडवांटेज क्या है? सेपरेशन का खौफ होता है ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट को, डबल टैक्सेशन पे करना पड़ता है, ये जो बहुत हैवी है कॉरपोरेशन के लिए, और एक्सपेंसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। कॉमन टाइप्स क्या हैं? फॉर टू टाइप्स हैं, फॉर प्रॉफिट कॉरपोरेशन, एक ऐसी कॉरपोरेशन होती हैं जिनका बुनियादी मकसद प्रॉफिट हासिल करना होता है, और नॉन प्रॉफिट होती हैं जो प्रॉफिट तो नहीं हासिल करती लेकिन वो अपनी सर्विसेज फराहम करती हैं। ठीक है, फॉर प्रॉफिट कॉरपोरेशन क्या क्या? मेजोरिटी ऑफ कॉरपोरेशन आर दे आर फॉर्म टू जनरेट रेवन्यू एंड प्रोवाइड ए रिटर्न टू देयर शेयर होल्डर्स। ठीक है, रेवन्यू जनरेट करती है, प्रोवाइड ए रिटर्न टू देयर शेयर होल्डर अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज ऑफ ओनरशिप इन दी कॉरपोरेशन, क्योंकि कितनी परसेंटेज है ओनरशिप में उसके मुताबिक उसको रेवन्यू प्रोवाइड करती है। नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन कौन सी होती हैं? इन दिस कैटेगरी विच ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड एजुकेशनल, रिलीजन, साइंटिफिक और रिसर्च डिपार्टमेंट, प्रोवाइड सोशल सर्विसेज, इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कॉरपोरेशन की प्रॉफिट कॉरपोरेशन की एग्जाम्पल है गूगल, अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, जनरल मोटर। ये तमाम कंपनियाँ अपने कस्टमर को अपनी सर्विसेज फ्राहम करती हैं और इसके बदले में प्रॉफिट अर्न करती हैं। टाइप्स ऑफ कॉरपोरेशंस, इसकी फर्दर टाइप्स हैं जिसमें सी कॉरपोरेशंस, एस कॉरपोरेशंस और एलएलसी आ जाता है। एलएलसी का मतलब है लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनीज। हम नेक्स्ट सी कॉरपोरेशन और एस कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ते हैं। सी कॉरपोरेशन क्या है? इस मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कॉरपोरेशंस, फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन अमंग बिजनेस एंड कंटेन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ कॉरपोरेशंस। इसमें ओनर रिसीव करता है प्रॉफिट का एंड आर टैक्स आर द इंडिविजुअल लेवल और टैक्स पे करता है। व्हाइल द कॉरपोरेशन इटसेल्फ इज टैक्स एज अ बिजनेस एंटिटी, और जो कोई कॉरपोरेशन टैक्स पे करती है वो एज अ बिजनेस एंटिटी के थ्रू पे करती है। ठीक है, एस कॉरपोरेशन क्या है? एस कॉरपोरेशन के लिए आपके पास अप टू 100 शेयर होल्डर्स होने चाहिए, ओनली डोमेस्टिक बिजनेस होना चाहिए, ठीक है, एंटिटी होनी चाहिए, और लीगल रेजिडेंसी या जिस भी शहर में उस शहर की रेजिडेंसी होनी चाहिए, और कॉमन स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशंस में कॉमनली यूज चार्टेबल एजुकेशनल एंड रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑपरेट विदाउट जनरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट्स विदाउट जनरेटिंग प्रॉफिट्स के जो अपनी सर्विसेज फ्राहम करती हैं कॉरपोरेशंस, वो नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन कहलाती हैं। नॉन प्रॉफिट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन, इसको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। एनी कंट्रीब्यूशन, डोनेशन और रेवन्यू रिसीव are retained in the entity to spend on operations, expansion or further plan.
जो भी लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं या डोनेशन देते हैं और रेवेन्यू जहाँ से भी रिसीव होता है उसके ज़रिए ये कॉरपोरेशन अपने बिजनेस के ऑपरेशन परफॉर्म करती है, अपने एक्सपेंस पूरे करती है और फर्दर प्लान करती है अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए उनके थ्रू। सी कॉरपोरेशन व एस कॉरपोरेशन, इन दोनों के दरमियान इनकी सिमिलरिटीज़ क्या हैं और डिफरेंस क्या है? फर्स्ट सिमिलरिटी आ जाती है हमारे पास सी और एस कॉरपोरेशन की, क्या सेम चीज़ें हैं? बोथ आर लीगल एंटिटी, यानी कि लीगली एंटिटी है। बोथ मस्ट कंपाइल विद स्टे रिक्वायरमेंट, ये कि स्टे की रिक्वायरमेंट है। और बोथ कैन प्रोवाइड एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट फ्राहम करती है। बोथ प्रोवाइड लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन फॉर शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर को लाइबिलिटी प्रोटेक्शन देती है। बोथ रिक्वायर्ड शेयर होल्डर टू पे पर्सनल इनकम टैक्स, जो कि अपने पर्सनल इनकम टैक्स पे करते हैं ऑन क्रॉप कॉरपोरेशन सैलरी के थ्रू। डिफरेंस क्या है टैक्स के हवाले से इसका? सबसे पहले एस और सी कॉरपोरेशन का डिफरेंस क्या है? पास थ्रू एंटिटी है टैक्स एस कॉरपोरेशन में। दिस मीन इनकम टैक्स इज नॉट पेड बाय द कॉरपोरेशन, यानी कि इनकम टैक्स पे नहीं किया कॉरपोरेशन ने, बट रेदर इट इज़ पास थ्रू टू दी ओनर, और ओनर्स को पास कर देती है टू बी पेड, कि वो इसके पे करें ऑन दी ओनर्स पर्सनल टैक्स रिटर्न, ओनर्स को पर्सनल टैक्स रिटर्न हासिल हो। और सी कॉरपोरेशन में क्या है? टैक्स सारा सेपरेट एंटिटी है। सी कॉरपोरेशन फाइल ए कॉरपोरेट टैक्स रिटर्न एंड पे आर टैक्सेस एट द कॉरपोरेट लेवल, ठीक है, कॉरपोरेट लेवल पर पे करती है। ओनरशिप क्या है? नो मोर देन 100 शेयर होल्डर्स, के इसके शेयर होल्डर 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ऑल शेयर होल्डर मस्ट बी USA सिटीजन्स हों। नो रिस्ट्रिक्शन अनलिमिटेड शेयर होल्डर, जितने मर्जी। सी में क्या है कि अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स का क्या डिफरेंस है दोनों में? कैन ओनली हैव वन क्लास ऑफ स्टॉक, यानी कि एक क्लास होती है इनकी। मीन ऑल शेयर होल्डर हैव अ इक्वल राइट, तमाम शेयर होल्डर को इक्वल राइट्स मिलते हैं एस कॉरपोरेशन में। और यहाँ पे सी कॉरपोरेशन में क्या होता है? कैन हैव मल्टीपल स्टॉक क्लास, यानी कि मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं। मीन शेयर होल्डर कैन बी प्लेस ऑन हायरार्की, यानी कि इनके मुख्तलिफ राइट्स होते हैं और मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या? हाउ डज कॉरपोरेशन डिसॉल्व, कि कॉरपोरेशन कैसे ख़त्म होती है? द लाइफ ऑफ कॉरपोरेट एंटिटी लास्ट अंटिल देयर इज चेंज, तब चेंज होती है इन इट्स चार्टर, यानी कि उसके चार्टर यानी कि मंशूर में, और आर द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस हैज रीच इट्स पीक, ठीक है। ए प्रोसेस कार्ड, इस प्रोसेस को लिक्विडेशन कहते हैं, यानी कि विल सर्व द ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट बाय द लिक्विडेटर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे वो क्या करती है? द कॉरपोरेट एसेट विल बी सोल्ड, अपने एसेट को सोल्ड करती है। एंड प्रोसीड विल फर्स्ट गो टू द क्रेडिटर, और अपनी जो भी क्रेडिटर होते हैं उनको पे ऑफ करती है। डेप्ट जो कि उनके कर्जे वगैरह होते हैं उनको पे करती है। वट एवर मेन, जो भी बाकी बचता है विल बी गिवन टू द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को देती है। इनवॉलंटरी लिक्विडेशन इज यूजली टारगेट बाय क्रेडिटर, टारगेट करती क्रेडिट को ऑफ एन इनसॉल्वेंट आर बैंक करप्ट कंपनी, ठीक है। लिक्विडेशन ज़्यादातर क्रेडिटर की वजह से होती है, अगर या फिर बैंक करप्ट हो जाए कंपनी, और इस वजह से होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है इसकी थर्ड टाइप? लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी LLC। लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी क्या है हमारे पास? ए प्राइवेट कंपनी हुज ओनर्स आर लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डेट, जो कि लीगली तौर पर कानूनी तौर पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने कर्जा जात के। ओनली टू एक्सटेंड ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल दे इन्वेस्ट, और सिर्फ उन उस पर जो कि उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट की होती है कैपिटल की या सरमाए की, इस लिहाज से ओनर्स लीगली रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्राइवेट कंपनी में। फॉर्मेशन क्या है और LLC की स्टार्ट कहाँ से? स्टार्ट से फर्स्ट स्टेप पे आ जाता है हमारे पास नेम ऑफ योर लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी। नंबर टू पे क्या आप अपना रजिस्टर एजेंट चूज करते हैं। नंबर थ्री पे क्या होता है? फॉर्मेशन होती है, सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, फाइल दी सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन। नंबर फोर पे क्या आ जाता है? क्रिएट एन LLC ऑपरेटिंग एग्रीमेंट, आप एग्रीमेंट बनाते हो। नंबर फाइव पे आ जाता है
गेट एन EIN यानी कि आप अपना एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर हासिल करते हो, देन आप कंपनी आपकी क्रिएट होती है और आप इसको ऑपरेट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले क्या पर्सनल लाइबिलिटी प्रोटेक्शन होती है हर किसी को, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी होती है इसलिए इसको हर किसी के लिए से पर्सनल लाइबिलिटीज प्रोटेक्शन होती है। टैक्स ऑप्शन होता है इसमें कि आप की अपनी मर्जी है कि आप टैक्स पे करना चाहते हो या नहीं। इनएक्सपेंसिव टू फार्म होती है, ठीक है, इजी टू फार्म होती है, लेस पेपर वर्क होता है, इतनी ज़्यादा पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं पेश आती। मैनेजमेंट फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्रेडिबिलिटी होती है आपका, यानी आप ट्रस्ट होगा, जितना भी लोगों को बिलीव होगा उसी लिहाज से आपकी कंपनी वर्क करेगी। स्ट्रक्चर क्या है लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी का? इसमें आपके पास जो मेंबर होता है वो ओनर होता है ओवरऑल, ठीक है, ओनर भी हो सकता है मेंबर। और उसके बाद आपके पास आप इंडिविजुअल तौर पर मैनेजर और एम्प्लॉयज़ को हायर करते हो और अपने कंपनी को इन्हें डे टू डे और कंपनी की जिम्मेदारियां सौंपते हो, ठीक है। डिफरेंस ऑफ LLC एंड कॉर्पोरेशन। LLC और कॉर्पोरेशन में क्या डिफरेंस है? नो LLC में नो एनुअल रिपोर्ट रिक्वायर्ड, कोई एनुअल रिपोर्ट रिक्वायर्ड नहीं होती, और कॉर्पोरेशन में फिजिकल एड्रेस लिस्टेड एनुअल रिपोर्ट, इसमें एनुअल रिपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, लीगल एंटिटी होती है। इसमें क्या है, सिर्फ टैक्स, यानी कि इसमें टैक्स की कोई टैक्स अपनी मर्जी आप दे सकते हैं या नहीं, और इसमें टैक्स स्टेटस होता है, आप इसको टैक्स पे करना पड़ता है, और लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। कॉर्पोरेशंस में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी सेपरेट लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, महदूद जिम्मेदारियाँ होती हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अलहदा कानूनी हैसियत हासिल होती है, यूज होता है इसका, यूजली टैक्स एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसको सिर्फ टैक्स पे करना पड़ता है। अनलिमिटेड नंबर ऑफ ओनर्स होते हैं, जितने मर्जी ओनर्स हों, ठीक है, मेंबर्स भी हो सकते हैं वो। कैपिटल इजी टू राइज थ्रू द सेल ऑफ इंटरेस्ट, ठीक, कैपिटल आपका राइज होता है आपकी सेल के लिहाज से। डिसएडवांटेज क्या, कैन बी कॉस्टली टू फार्म, यानी कि इसको कॉस्टली है, मोर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी होती हैं ज़्यादातर, और पर्सनल टैक्स लाइबिलिटीज होती हैं इसका, यह सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है आपको पर्सनल तौर पर टैक्स पे करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर माई वीडियो।